जनपद के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में कोरोना के सेकेंड नोडल अधिकारी संजय कुमार खत्री, प्रभारी जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल, अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर जेपी त्रिपाठी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी व प्रधानाचार्य बीआरडी मेडिकल कॉलेज डॉक्टर गणेश कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मंडलायुक्त जयंत मार्लिकर ने जनपद में कोरोना संक्रमितों की मृत्यु के कारणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि 60 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग तथा लक्षण वाले कोरोना मरीजों की जाँच के समय ही उनकी अन्य जाँच जैसे खून एक्सरे भी कराया जाए। मंडलायुक्त ने सीएमओ को निर्देश दिया कि कोरोना संक्रमितों की जांच के लिए लगने वाले कैंपों में ही अन्य जांच कराने हेतु कार्य योजना बनाकर 30 सितंबर से जांच किया जाना सुनिश्चित करें। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने निर्देश दिया कि 1 अक्टूबर से चलने वाले संचारी रोग दस्तक अभियान के साथ डोर टू डोर अभियान चलाकर ILI के मरीजों की पहचान कर उनकी कोरोना संक्रमण की जांच सुनिश्चित किया जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि हमें अपने स्वास्थ्य सेवाओं को आम जन तक पहुंचाकर लोगों के जीवन की रक्षा करनी है तथा किसी मरीज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसे होम आइसोलेशन में रहने की अनुमति ना दी जाए। मरीजों को तत्काल L1, L2 या L3 में भर्ती कर उसका इलाज सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने गुणवत्ता युक्त कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर बल देते हुए कहा कि कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए लोगों की पहचान करते हुए 24 घंटे के भीतर उनकी जांच की जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना के बचाव के कार्य में लापरवाही करने वाले लोगों पर कार्रवाई भी किया जाए तथा प्रत्येक मृत्यु के कारणों की जांच कर उसकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाए। सर, एक तो 7 सितंबर की अपडेट हो गई है। वो डेट कभी ना कभी तो हुई सर। कभी तो हुई सर। तो आज कुल संख्या कितनी हो गई? 5 टोटल डिलेट कीजिए। अभी नेट पे फिर थोड़ा बढ़ गया सर, वैसे 241 है। 241 एक्चुअल जी। ठीक है, इसी से हम लोग थोड़ा स्टार्ट करेंगे और फिर करेंगे कुछ और एजेंडा है तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले आप लोग एक्सपर्ट हैं तो आप लोग बताएं कि जो जनपद की डेथ है, एक सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल जो कंडीशन है, यदि मैं कमिश्नरी की ही बात करूँ तो हमारे 3 जिले और हैं, मतलब महाराजगंज, कुशीनगर, बट वहाँ पर देखिए 2 जनपदों में 70 और 1 में 40 है। हर डेथ मैं जैसा कहता हूँ कि खराब होती है और नहीं होती, 1% लगाती है। तो आप लोगों को क्या लगता है इसका मतलब कारण क्या है? मतलब इतने एफर्ट हो रहे हैं, हम लोग कितनी सघन गहन समीक्षा हो रही है, इसके बाद भी यदि हो रही है डेथ, तो उसको उसका कारण आपको क्या लगता है? तो मैं महाराजगंज में गोलियाँ मतलब 20 है और इनारा को काफ़ी सर उम्र से सुन गया था उससे गोरखपुर जनपद में मौत ज्यादा। यदि आप उसी सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल कंडीशन में दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग को देखें और प्रयास मुझे लगता है जितना गोरखपुर जनपद में हो रहा है उतना ही वहाँ हो रहा है। गोरखपुर जनपद में कम तो एडमिट नहीं हो रहा होगा, यदि ज़्यादा नहीं हो रहा है डायरेक्ट हमारे यहाँ सीधा कोरोना का वो शायद नहीं मिला जब अभी जैसे कल वो बैठक हुई थी सर के साथ तो उसमें 2 केसेस मुझे दिए गए थे, तो 2 केसेस के बारे में आप बताइए कि डेथ क्यों हुई। अरे भाई इसमें अनिल श्रीवास्तव थे, रेलवे हॉस्पिटल गोरखपुर से आए थे सर, पेशेंट शायद बस्तरा सर हैं यहाँ सामने, और दूसरा पेशेंट जो हमसे पूछा गया था दीनानाथ गुप्ता,